हेलो दोस्तों गुड इवनिंग मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गान आर्बिल में स्वागत करता हूं आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लिंक के बारे में जहां से हमारे आने वाले एग्जाम में से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाल ही में हुए एग्ज़ाम जैसे यूपी टेट जूनियर असिस्टेंट उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो चलिए देखते हैं इसके बारे में उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें क्योंकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें सबसे पहले देखिए ये जो वीडियो है वो आपके यू पी पी यू पी एस आई यू पी टेड जेल वार्डन फायरमैन फॉरेस्ट गार्ड वीडियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे अदर जो भी जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो चलिए देखते हैं लिंग के बारे में देखते हैं लिंग होता क्या है लिंग एक चिन्ह होता है देखिए संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति अथवा वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता है उसे व्याकरण में लिंग कहा जाता है दूसरे शब्दों में कहते हैं जिन सब संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है वही कहता लिंग होता जैसे हमने कहा क्या लड़का तो लड़का से क्या पता चलता है कि ये क्या है मादा है फर है तो जो भी है तो इस तरीके से पुरुष है स्त्री है तो ये क्या है लड़का ये पुरुष है तो ये पुरलिंग हो जाएगा अब इसका स्त्रीलिंग बनाते तो क्या हो जाएगा लड़की तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा तो बात करते हैं इसको लेकर बहुत ही मतभेद है तो देखिए हिंदी में लिंग की, की बात करते हैं तो दो होते हैं केवल और केवल स्त्रीलिंग और पुरलिंग संस्कृत में एक लिंग और बढ़ जाता है जिसको हम नपुंसक लिंग कहते हैं तो बात कर लेते हैं पुरलिंग की पहचान देखिए पहचान इसकी बहुत है आखिरी में हम पूरी लिस्ट दे देंगे जिससे आपको छाटने में आसान होगी कि किसका स्त्रीलिंग क्या है पुरलिंग क्या है तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है चलिए बात करते हैं पुरलिंग पहचान की देखिए कुछ संज्ञाएँ हमेशा पुरलिंग होती है जैसे खटमल भेड़िया खरगोश सरसों मच्छर पक्षी तो ये पुरलिंग होगी देखिए ये सरसों आपके यूपी टेट में पूछा गया है तो ये क्या हो जाएगा आपका पुरलिंग हो जाएगा चलिए अगलते समूहवाचक संख्या जो होती है वो पुरलिंग होती है जैसे मंडल समाज दल समूह वर्ग इस तरह के समूहवाचक संज्ञाएं देखिए इससे हमें समूहवाचक संज्ञाएं भी पता चल कौन से होती हैं तो ये सब क्या होती है हमेशा पुर्विंग होते हैं दिनों के नाम क्या होते हैं वो पुरलिंग होते हैं चाहे सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार महीनों के नाम भी क्या होते हैं ये भी हमारे क्या होते हैं पुरलिंग ही होते हैं जैसे फरवरी मार्च चैत बैसाख इस तरीके से मगर कुछ अपवाद होते हैं जैसे जनवरी मई जुलाई ये क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं जैसे जनवरी होती है मई होती है जुलाई होती है मार्च होता है तो इस तरह से हम बोल के भी पता लगा सकते हैं चलिए अगला देखते हैं पर्वतों के नाम जो हैं वो भी क्या होते हैं पुरलिंग होते हैं जैसे हिमालय विंध्याचल पर्वत सतपुड़ा अल्पास यूराल कंचनजंगा एवरेस्ट फ्यूजियामा तो सब क्या होते हैं पर्वतों के नाम भी क्या होते हैं आपके पुरलिंग होते हैं देश के नाम हो गए इससे भारत चीन ईरान अमेरिका ये क्या होते हैं पुरलिंग होते हैं कुछ अपवाद होते हैं जैसे श्रीलंका क्या होता है स्त्रीलिंग हो जाता है तो इस तरीके से कुछ होते हैं इससे नक्षत्रों और ग्रहों के नाम क्या होते हैं ये भी क्या होते हैं आपके पुरलिंग होते हैं आप देख सकते हैं सूर्य चंद्रमा राहु शनि आकाश ब्रह्मांड और बुद्ध मगर क्या होता है इसका अपवाद भी अपवाद क्या है स्त्रीलिंग इस इसका क्या है पृथ्वी को हम स्त्रीलिंग की संज्ञा देते हैं तो ये पृथ्वी क्या होता है स्त्रीलिंग ये है तो ग्रही जिस पर हम लोग रहते हैं और इसका एकमात्र उपग्रह क्या है चंद्रमा तो याद रखेंगे इसका एकमात्र उपग्रह क्या है चंद्रमा और पृथ्वी क्या होती है स्त्रीलिंग होती है और देखते हैं धातुओं के नाम भी क्या होते हैं पुरलिंग होते हैं सोना तांबा पीतल लोहा इस तरह से वृक्ष और फलों के नाम क्या होते हैं ये भी आपके क्या होते हैं पुरलिंग ही होते हैं अमरूद केला सीसम पीपल देवदार चिनार बरगद अशोक पलाश और आम देखिए सीसम पूछा गया जा चुका है ये याद रखेंगे सीसम क्या होता है पुरलिंग होता है अनाजों के नाम क्या होते हैं ये भी पुलिंग होते हैं गेहूँ बाजरा जौ चना मगर इसके अपवाद क्या है कुछ अपवाद होते हैं जो कि स्त्रीलिंग होते हैं जैसे मक्की ज्वार अरहर मूंग जैसे अरहर की दाल होती है मूंग की दाल होती है ज्वार होती है मक्का मक्की होती होती है ठीक है तो ये चीज़ें ऐसे हम बोल के भी देख सकते हैं और रत्नों के नाम क्या होते हैं हीरा मोती है ना जैसे रत्नों के नाम ये भी पुल्लिंग होते हैं नीलम पुखराज मूंगा माणिक पन्ना मोती हीरा तो इस तरह से क्या हो जाएंगे ये आपके ये भी क्या हो जाएंगे आपके पुरलिंग हो जाएंगे फूलों के नाम गेंदा चमेली चंपा गुलाब कमल ये भी क्या हो जाएंगे आपके पुरलिंग हो जाएंगे देश और नगरों के नाम जैसे दिल्ली लंदन चीन भारत रूस ये सब क्या है आपके? हैं आपके पुरलिंग शब्द हैं द्रव्यों के नाम जैसे कुछ शरबत होता है दही होता है देखिए दही बहुत इंपॉर्टेंट दही को हम याद रखेंगे ये पुरलिंग होता है लोग स्त्रीलिंग समझ के इसको तो क्योंकि ई की मात्रा होती है इसलिए स्त्री दही खट्टी नहीं होती दही खट्टा होता हम बोल के देखेंगे दही और पानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखेंगे दही और पानी को 100 परसेंट याद रखेंगे ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं तो दही और पानी क्या होता है पुरलिंग होता है ना कि स्त्रीलिंग तेल कोयला पेट्रोल घी अपवाद के लिए जैसे चाय पी जाती है कॉफ़ी पी जाती है लस्सी पी जाती है, है चटनी चाट जाती है तो ये चीज़ें क्या हैं आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगी समय के जो भी चीज़ होते हैं पल घंटा सेकेंड क्षण मिनट ये भी क्या होते हैं पुरलिंग होते हैं द्वीप क्या हो गया अंडमान निकोबार है ना जो भी द्वीप हैं जावा द्वीप है क्यूबा द्वीप है न्यूफालैंड द्वीप हैं ये सब क्या हो जाते हैं पुरलिंग हो जाते हैं सागर के नाम भी पुरलिंग होते हैं हिंदी हिंद महासागर प्रशांत महासागर अरब महासागर बे ऑफ बंगाल ठीक तो ये सब क्या हैं पुरलिंग हैं अगली बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्णमाला देखिए ये क्वेश्चन आया था कि वर्णमाला को छोड़कर आपके यूपी जो ट्रिपल एस का पेपर हुआ था जूनियर असिस्टेंट का उसमें पूछा गया था कि वर्णमाला में कुछ वर्णों को छोड़कर बाकी सब वर्ण क्या होते हैं तो पुरलिंग होते हैं का खा गा खा ये सब क्या है पुरलिंग है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आया भी है तो याद रखेंगे और बात करते हैं शरीर के अंग क्या होते हैं कुछ को छोड़कर ये भी पुरलिंग होते हैं जैसे हाथ पैर गला अंगूठा कान सिर मस्तक मुँह घुटना हृदय दांत ये सब क्या है पुरलिंग है तो अपवाद देख लेते जीभ होती है आँख होती है नाक होती है उंगलियाँ होती हैं तो ये क्या हो जाएंगी स्त्रीलिंग हो जाएंगी अकारांत से जो संज्ञाएँ होते है होते हैं होते हैं हैं जिन आकारांत आकारांत क्या जिनका लास्ट में बड़े आस की मात्रा से अंत होता है। जैसे गुस्सा तो ये आकार आकारांत होते हैं ये आकारांत होते हैं ठीक है जिनका लास्ट में क्या होता है बड़े आ की मात्रा से आकारांत क्या होता है जिसमें लास्ट में छोटे आ की मात्रा से होता है आकारांत जैसे राम हो गया ये क्या है आकारांत क्योंकि माँ में छोटे आ की मात्रा है ठीक है और इकारांत होते हैं इकारांत होते हैं जिनमें छोटी की मात्रा से होती है जैसे रात्रि और ई कार्त क्या होता है जो ई कारांत होते हैं जिसमें बड़ी आकी मात्रा होता है जैसे रानी ये ई कार्त तो इस तरह से हम देखते हैं इनको समझते हैं तो आकारांत जिनमें बड़े आकई मानता होती है जैसे गुस्सा होता है चश्मा पहना जाता है छा देखिए चश्मा कई बार पूछा जा चुका है पैसा होता है छाता होता है छाता ओढ़ा जाता है लगाया जाता है ठीक तो ये चीज़ें अब देखिए खान जिस जिन लास्टों के अंत में अधिकतर क्या होते हैं पुरली होते हैं जिनमें क्या लगा होता है खान खाना दान वाला तो इस तरह की चीज़ें क्या होती है जो बनके होती हैं वो क्या होती जाती हैं आपकी पुरलिंग होती है जैसे खानदान देखिए दान लगा है पीक दान दवा खाना जेल खाना पागल खाना दूध वाला पेपर वाला ये सब क्या हो जाएंगे आपके पुरलिंग ही हो जाएंगे और देख लीजिए जिसके लास्ट में आ बड़ा आ आओ पा पन का त्वा आवा तथा औड़ा से अंत होने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं जैसे हथौड़ा बड़ा हो गया आवा पहनावा गुरुत्व है ना तो इस तरीके से अपनापन बचपन हो बचपन होता है है ना इस तरह से तो ये सब चीज़ें बुढ़ाओ घुमाओ है ना तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे ये पुरलिंग हो जाएंगी ठीक तो आई होप आपको पुरलिंग चीज़ें समझ में आई होंगी कि पुरलिंग क्या होते हैं अब स्त्रीलिंग की पहचान करते हैं तो स्त्रीलिंग क्या होते हैं देखिए स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र नदी बोली भाषा तिथि भोजन आदि के नाम होते हैं कुछ कुछ हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं जैसे बात कर लेते हैं मक्खी कोयल मछली मैना तितली मैना आदि ठीक लेकिन नक्षत्र क्या होते हैं नक्षत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके स्त्रीलिंग जैसे अश्वनी रेवती मृगशिरा चित्रा भरड़ी रोहिणी देखिए रोहिणी उपग्रह भी है ठीक है तो याद रखेंगे रोहिणी उपग्रह भी उत्क्षेपित किया गया था और जो बोली होती हैं जैसे मेवाती ब्रज खड़ी बोली अवधि बुंदेली देखिए अवधि अपने यहाँ की भाषा है जो लखनऊ रायबरेली है ना इस तरह के क्षेत्र में बोली जाती है नेक्स्ट देखते हैं नदियों के नाम नदियों के नाम कुछ होते हैं अपवाद के रूप में तो उनको छोड़ करके बाकी सब नदियों के नाम जैसे रावी गंगा यमुना सरस्वती ये सब क्या हैं स्त्रीलिंग होते हैं गंगा झेलम ये सब स्त्रीलिंग होते हैं अब बात करते हैं भाषाओं व लिपियों के नाम तो हिंदी बोली जाती है अंग्रेजी बोली जाती है बोला नहीं जाता ठीक तो इस तरह याद कर लेंगे और देवनागरी लिखी जाती है तो देवनागरी अंग्रेजी हिंदी फ्रांसीसी अरबी फारसी जर्मन बंगाली जो भी भाषाएं और लिपियां हैं वो क्या हो जाती है आपकी स्त्रीलिंग हो जाती हैं पुस्तकों के नाम जैसे पुस्तक कुरान रामायण गीता बाइबिल ये सब क्या हैं आपके स्त्रीलिंग लिंग तिथियों के नाम पूर्णिमा अमावस्या अमावस्या होती है पूर्णिमा की रात होती है है ना चतुर्थी आती है इस तरह से हम देख लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे आपके स्त्रीलिंग आहारों के नाम सब्जी दाल कचौरी पूड़ी रोटी हलवा ठीक ये हो जाएंगे आपके पुरलिंग हो जाएंगे मगर कुछ अपवाद होते हैं जैसे हलवा बना है अचार खाया जाता है रायता बनाया जाता है खाया जाता है ठीक तो ये चीज़ क्या जाएंगे ये पुरलिंग हो जाएंगे अपवाद हैं थोड़े अब देखते हैं ईकारांत ई कारांत ये कहते हैं पुरलिंग होते हैं और सॉरी स्त्रीलिंग होते हैं ई कारांत वाले शब्द जैसे हमने बताया था ई कारांत में बड़ी गांत जैसे नानी बेटी मामी भाभी ये तो देखने में भी लग रहे हैं कि ई कारांत क्या होंगे पुरलिंग ही होंगे और देख लेते जिनके लास्ट में बड़ा आ ता आई आवट या आहट ऐसे शब्द प्रत्यय लगे होते हैं वो स्त्रीलिंग बनते हैं जैसे आ से देख लेते हैं भाषा कविता प्रजा दया विद्या ये सब क्या है इसमें लास्ट में आ लगा है वो क्या है स्त्रीलिंग है जैसे ता गीता ममता लता संगीता माता सुंदरता मधुरता ये सब क्या हो जाएंगे स्त्रीलिंग हो जाएंगे आई से सगाई मिठाई धुनाई पिटाई धुलाई आवट, ये क्या ब, सब क्या हो जाएंगे स्त्रीलिंग आवट सजावट बनावट लिखावट थकावट ये हो गए या से क्या हो जाए कुटिया बड़ी, बुढ़िया चिड़िया बिटिया है ना डिबिया ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे स्त्रीलिंग आहट से घबराहट चिल्लाहट चिकनाहट कड़वाहट या से जैसे छाया माया काया साया ये सब क्या हो जाएंगे आपके स्त्रीलिंग आस से खटास मिठास प्यास ये क्या हो जाए प्यास लगती है ठीक तो इस तरह हम बोल के भी देख सकते हैं कोई चीज़ को ठीक है मगर हमें पता होगा तो एकदम श्योर होंगे ठीक अगला बात करते हैं शरीर का कुछ अंग जो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं आँख नाक जीभ पलकें ठोड़ी उंगलियाँ ठीक ऐसी चीज़ें कुछ आभूषण के परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं जैसे साड़ी सलवार चुन्नी धोती टोपी पैंट पैंट पहनी जाती है कमीज पहनी जाती है पगड़ी माला चूड़ी बिंदी कंघी नथ अंगूठी हंसुली ये सब क्या हैं स्त्रीलिंग कुछ मसाले आदि भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं जैसे दालचीनी लौंग हल्दी मिर्च धनिया इलायची जवाइन सौंफ चिरौंजी चीनी कलौंजी चाय कॉफ़ी चाय कॉफ़ी तो वैसे पिया जाता है ना पी जाती है तो ये देख लेना आप बोल के भी देख सकते हैं अब बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की जो उभयलिंग के श्रेणी में लगभग लगभग आते हैं उभयलिंग क्या होता है देखते हैं कुछ शब्द जो होते हैं स्त्रीलिंग तथा पुरलिंग दोनों में प्रयोग में लाए जाते हैं जैसे अब आपसे पूछ लिया जाएगा राष्ट्रपति क्या है राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति क्या है दोनों स्त्रीलिंग और पुललिंग दोनों में होता है देखिए राष्ट्रपति क्या है होता है जैसे हम इसको यूज करके देखते हैं जैसे मनमोहन जैसे रामनाथ कोविंद हमारे देश के राष्ट्रपति हैं ठीक है और प्रतिभा देवी पाटिल हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी तो है थी देखिए ये दोनों में यूज हो रहा उपराष्ट्रपति उसी तरीके से जो पद होते हैं उच्च पद होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं आपके उभय लिंग होते हैं जैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चित्रकार अब चित्रकार का चित्रकारी नहीं होगा ठीक ये पत्रकार का पत्रकार ही नहीं होगा तो ये चीज़ें क्या होंगी आपकी दोनों में यूज होंगी प्रबंधक ये देखिए मंत्री आ गए ये आपके यूपी टेट के क्वेश्चन में सॉरी जूनियर असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया यही सेम क्वेश्चन पूछा गया मंत्री का ऐसा शब्द है तो क्या होता है उभयलिंग उभयिंग बताया गया वैसे हिंदी में दो ही लिंग होते हैं मगर इसको हम उभयलिंग अगर उभयलिंग ऑप्शन में है तो उभयलिंग की श्रेणी में टिक कर देंगे या फिर वो कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग पुरलिंग दोनों में यूज किया जाता है इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनमें से कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपको उभयलिंग मतलब दोनों में लगाना होगा जैसे डॉक्टर साहिबा डॉक्टर साहिबा आ गई है ना डॉक्टर साहब आए हैं है ना तो इस तरीके से दोनों में सेक्रेटरी साहिबा आ गई गवर्नर होती है होता है लेक्चरर होती है होता है इस तरह से हम देख लेंगे अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सूची दी गई है कि स्त्रीलिंग पुरलिंग की कि कि किसका स्त्रीलिंग क्या होगा पुरलिंग क्या होगा बहुत ही बार पूछा गया है क्वेश्चन तो देखते हैं देखिए कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा कवित्री और कवित्री हम किस तरह सही से लिखेंगे ये देख लेंगे ये क्योंकि क्योंकि ये क्या है कि आपके शुद्ध वर्तनी में भी बहुत बार पूछा जा चुका है विद्वान का विदुषी होता है विद्वान महिला नहीं होगा तो विदुषी होगा देखिए नेता अब ताज जो होता है थ्री में टूट जाता है अगर कहीं पर आपको ताज दिखता है थ्री में टूटेगा तो नेता का नेत्री हो जाएगा अभिनेता का अभिनेत्री हो जाएगा इसी तरह निर्माता का निर्मात्री देखिए ता जो है त्रा में टूटता है निर्मात्री रचयिता का रचयित्री है ना सभापति का सभा नेत्री ये इंपॉर्टेंट है ये याद रखेंगे कि सभापति का स्त्रीलिंग क्या होता है सभा नेत्री विधाता का विधात्री महान का महती देखिए आपका महान कृपा होगा ये गलत होता है आपकी महती कृपा होगी ये सही होता है हमारा आंसर देखिए कर्ता क्या होगा कत्री हो जाएगा साधु का साध्वी लेखक का लेखिका भिक्षु का भिक्षुड़ी भीछु गायक का गायिका योगी का योगिनी मुगल का मुगलानी इंद्र का इंद्र का इंद्राणी रुद्र का रुद्राणी ये सही है देखिए छत्री का छत्राणी होता है छत्री का छत्राणी महोदय में देखिए कुछ होते जो जिनमें हम स्त्रीलिंग पुरलिंग बनाते समय हम आका मात, की मात्रा का यूज करते जैसे महोदय का महोदया शिष्य का शिष्या छात्र का छात्रा आचार्य का आचार्य प्रीतम का प्रीतमा पूज्य का पूज्य ठीक इस तरीके से अब देखिए ये बहुत बार पूछा गया अध्यापक का अध्यापिका वेरी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे अध्यापक का अध्यापका शूद्र का सूद्र प्रिय का प्रिया वर का वधु देखिए वर का वधु दूल्हा दुल्हन है ना तो वो चीज़ वर का वधू नपुंसक का क्या हो जाएगा बांझ हो जाएगा नपुंसक क्या होता है पुरलिंग से होता है बांझ क्या होता है स्त्रीलिंग से संबंधित होता है देखिए विधुर और विधवा विधवा का होती है जिसकी पत्नी जिस पत्नी जिस स्त्री का पति ना हो और विधुर का होता है जिस पुरुष का पुरुष की स्त्री ना हो उसे हम विधुर बोलते हैं स्वामी का स्वामिनी यशस्वी का यशस्वनी पुत्रवान का पुत्रवती ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है पुत्रवान का पुत्रवती और शक्तिमान का शक्तिमती बुद्धिमान का बुद्धिमती देखिए मान मति में और वान वती में टूटता है याद रखेंगे मान जो होगा पुरलिंग बनाते स्त्री के में मान जो होता है मति में टूटता है और वान क्या होगा वती में टूटेगा वान किस में टूट जाएगा वती में देखिए देख लेते हैं जैसे ये पुत्रवान इसमें वान है तो वती हो जाएगा वति में टूट गया शक्तिमान है तो मती में टूट जाएगा देखिए मान जो है मति में टूटा इसी तरीके से बुद्धिमान है तो मान है तो मती में टूट जाएगा

ये सम्राट का सम्राज्ञी ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे ये कई बार पूछा जा चुका है यूपीपी के पेपर में भी और आने वाले समय में क्योंकि सम्राट का सम्राटिन लोग लगा देते हैं मगर वो नहीं होता सम्राट का क्या हो जाएगा सम्राज्ञी राक्षस का राक्षसी बेग बादशाह का बेगम मालिका मालिन कमल का कमलिनी बाल का क्या हो जाएगा बाला मनोहार का मनोहारिणी भगवान का भगवती ये भी पूछा जा चुका कई बार क्वेश्चन भगवान का भगवती रिछ का रिछनी तो ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये श्रेणी थी या आपकी साड़ी थी आप इसको याद कर ले एक बार ज़रूर क्योंकि यहीं से आने वाले क्वेश्चन अगर आप इसको सही से पढ़ लेते हैं दोहरा लेते हैं रिवीजन कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं जाएगा और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबाएं क्योंकि ऐसे ही हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आप अच्छे से मेहनत करिए और कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाइए थैंक यू